तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शुमहापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शुमहापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुराकर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुराकर खोल, कितना भी कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट। क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है आप शंकर का नाम याद रख लो, आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है आप शंकर का नाम मालूम कर लो, आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो, आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है, शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है, शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है, शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है, शंकर। केवल शंकर एक। शिवजी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं, कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता सास ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूँ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूँ, मैं पितृ भी हूँ, मैं करुण भी हूँ, मैं वरुण भी हूँ, मैं जल भी हूँ, मैं आकाश भी हूँ। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल रसातल पृथ्वी अग्नि आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव है। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूल अवश्य भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवताओं को भात पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो एक हम उसके आसार पर तो जाएं, हम उस पर विश्वास तो करें, हम उस पर भरोसा तो करें, हम उस पर दृढ़ता तो करें। जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है तब वो पूर्ण परमात्मा मेरा शंकर मेरा विश्वनाथ मेरा महाकाल मेरा कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरता है। जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है ए मेरी विदिशा की जी जी और मेरे विदिशा के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखाओं, निवेदन, दिखावा करने कभी कथा में मत जा, भीड़ बढ़ाने कभी कथा में मत जा, दिखावा करने के लिए कभी मंदिर मत जा। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा, मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा, दिल में अगर भरोसा है तो शुमहापुराण की कथा में जाना और भगवान शंकर के मंदिर जाना, नहीं तो मत जाओ। क्या करोगे जाकर, क्यों परेशान होना, 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ, अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो, विश्वास नहीं मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता।
मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बेर। मानो तो मैं नर का हूं, नहीं तो मैं तो बेर। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी, आपका दिल नहीं करता बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी, पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना, पर मदद करने के लिए मन, अपना दिल, अपना समय जरूर देना और आगे बढ़कर। एक विश्वास। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, यहां आए जरूर हो आप लोग। आज कथा का छठा दिवस है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। आज की रात्रि को हमारे यहाँ शिवरात्रि कहते हैं। 7 दिन की शिवपुराण में 6ठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। रात को लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुबेरे 8 बजे कथा में आने के लिए घर से 6-6, 5-5 बजे निकल जाते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, 11 बजे कल कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। हम अपने बाबा के धाम। अब इस बीच में हर्षद लोधी, ये बच्चे का विश्वास देखिए। गांठ होने के बाद, डॉक्टर को दिखाने के बाद में शिव के मंदिर जाना चालू करा और वापस जांच कराई 1 महीने बाद तो कठिन नहीं थी शरीर की। ये विश्वास है। आप अपने घर, हम अपने बाबा के धाम चले जाएंगे। इस बीच में हम आपसे बहुत दूर नहीं है, पास में ही सीहोर है, पास में ही कुबेरेश्वर बाबा का धाम है। बाबा से ऐसी विनती कर जाना, बाबा मेरी झोली 3 महीने में खुशियों में भर देना, मैं कुबेरेश्वर धाम पर लोटा भर के जल चढ़ाने जाऊं। ऐसी विश्वास, भरोसा, दृढ़ता अपने भीतर रखिए। तारका विदुम्माली कमलाक्ष की स्वयं के लिए सोचते थे। तारकासुर के तीनों पुत्र अपने लिए सोचते थे, दूसरे के लिए नहीं सोचा। जिस दिन दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ करोगे, विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप सुखा है। जिस दिन दूसरे के लिए विचार करना प्रारंभ करोगे, उस दिन अपने आप धन प्राप्त करता है। राष्ट्र हित में, सनातन धर्म को हित में प्रयास करिएगा। पहले के समय में हमारे राष्ट्र को जो तोड़ा गया था, हमारे देश पर जो दुनिया के लोगों ने राज किया था और हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुलाम रखा रख दिया था, उसका सबसे बड़ा कारण केवल एक था। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा उसका केवल एक कारण था। विधर्मियों ने हमारे राष्ट्र पर जो राज्य करा उसका केवल एक कारण था। जितने लोग मंदिर जाते थे, जितने लोग शिवालय जाते थे, जितने लोग भगवान के दरवाजे जाते थे, उनको धीरे धीरे मंदिर से दूर कर दिया था। मंदिर से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि बाद में उन्हीं मंदिरों पर आक्रमण कर 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 तोड़ तोड़ कर उनका सारा धन वैभव ले गए और मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हमारा शास्त्र कहता है उस समय पर अगर एक एक सनातन धर्मी मंदिर जाता रहता, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाता रहता, मंदिर की चौखट चढ़ता रहता, सब एक जगह पर सनातनी एकत्रित होते रहते, तो किसी विधर्मी ने दम नहीं थी कि इस राज्य, इस राष्ट्र पर अपना कब्जा जमा। और आज फिर
पूरा भारत, पूरा देश शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जा रहा है। सारी दुनिया को टेंशन पड़ गई कि ये क्या होने लगा, हम सनातन धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और मालूम पड़ा सनातनी फिर जुड़कर छोटे छोटे मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। फिर चिंता बढ़ गई। याद रखना, राष्ट्र का सैनिक, भारत का सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है, और सियोर वाला महाराज कथा धन के लिए नहीं सनातन धर्म को जोड़ने के लिए करता है। सनातन धर्म कैसे जुड़े, मंदिर तक कैसे जाए? लोगों ने मंदिर में इतना इतना विधान बता दिया था, ऐसे दर्शन मत करना, ऐसे प्रणाम मत करना, ऐसे मत छूना, ऐसे मत जाना, ऐसे मत करना। लोग दूर हट गए, नवयुवक बेटा बेटी दूर हट गए, सनातन धर्म के लोग मंदिर से दूर हट गए। शंकर की कथा ने फिर कह दिया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जैसे चढ़ाओ भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे मंदिर जाओ, तुम्हारा जैसा दिल करे वैसे शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाओ, वैसे पोछा लगाओ, वैसे बेलपत्र चढ़ाओ, कैसे भी जाओ पर शंकर के मंदिर तो जाओ। अपने माता पिता के सामने ढोंग से मत जाना, अपने माता पिता के सामने ढंग से जाना, बस यही शुभ्रण कर। ढोंग की जिंदगी मत जियो, ढंग की जिंदगी जियो। मेरे भगवान कालाधिपति के सामने जाना, मेरे शंकर के मंदिर में जाना, मेरे शिवालय में जाना, शिव की चौखट पर जब भी जाना, शंकर के मंदिर में जाना, शिव महापुराण की कथा में जाना, तो ढोंग कर मत जाना, ढोंगी बनकर मत जाना, ढोंग से दूर हटकर ढंग के बनकर जाना कि हमें यहाँ दिखाने नहीं आना है, हमें तो यहाँ बाबा को रिझाने आना है, यहाँ मेरा पिता बैठा है, यहाँ मेरी माँ बैठी है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में क्या बड़ा, क्या पढ़ा। ढंग की जिंदगी जिस दिन जीना प्रारंभ कर दोगे उस दिन मेरा शंकर तुम्हारे करीब में जाएगा। कभी एक बार काशी घूम कर आइए, कभी एक बार उज्जैनी घूम कर आइए, कभी एक बार सोमेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार केदारेश्वर घूम कर आइए, कभी एक बार बारह ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आइए। वहां के विद्वान विद्वान संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हैं। जो भगवान शंकर की असली भक्ति में डूबे हुए हैं वो ढोंग नहीं करते, वो ढंग की जिंदगी जीते हैं। और जो कई ऐसे पड़े हुए हैं जो केवल खाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए भी पड़े हुए हैं, उनकी बात नहीं करते हम, तो कहते हैं कि शंकर के होकर शिव तत्व को जानकर शंकर को अपने भीतर बिठा लीजिए, अपने भीतर शिव को बिठा। जब दुख आए दुनिया के सामने जाकर मत रोना, जब तकलीफ आए एक लोटा जल, दिन हो दोपहर हो शाम हो, तुम्हारा मन कर जाए जब दुख आए। क्योंकि याद रखना, बेटा अपने कमरे में सोता है, बहू अपने कमरे में सोती है, बच्चे अपने कमरे में सोते हैं, केवल एक घर का बुजुर्ग ऐसा होता है जो अपना कमरा बंद कर नहीं सोता, घर का बड़ा अपना कमरा खोल कर सोता है। वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं, ब्रह्मलोक में 5 दरवाजे हैं, इंद्रलोक में 9 दरवाजे हैं, सारे लोकों में 5 या 7 दरवाजे हैं, पितृलोक में 4 दरवाजे हैं, केवल एक कैलाश धाम ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है, मेरा महादेव चिल्ला बेटा। सारे धाम में दरवाजे हैं पर मेरे कैलाश पर दरवाजा नहीं है, मेरे शंकर के दरवाजे पर दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जगत का बाप है, वो जगत की माँ है, अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं कि मेरे लाडले को कम मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे बेटे को कम मेरी जरूरत पड़ जाए, वो मुझे पुकारेगा। भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुण साइड में होंगे, ब्रह्मा जी का वाहन अलग होगा, इंद्र का वाहन अलग होगा, पर केवल एक शंकर भगवान का नंदी उनके दरवाजे पर बाहर बैठा रहता है, अंदर नहीं बाहर। क्योंकि शिव जी कहते हैं मेरा भक्त ना जाने कब पुकार ले, तुरंत जाना पड़ेगा, इसलिए नंदी तुम तैयार बैठना। नंदी का पांव देखना एक पैर आगे खींच कर बैठता है कि बस भगवान बैठे और मुझे जाना है, भक्त पुकारे और मेरा महादेव दौड़ कर आ जाए, वो शिव की भक्ति होती है। ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी में परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। शिव की चौखट पर जाओ। दुनिया के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये सियोर वाला करता क्या, सबको शंकर मंदिर भेज देता, सबको शिव मंदिर भेज देता है, शंकर जी के मंदिर में। आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए,
पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो करा विधर्मियों ने, अब नहीं होने देना है। अब हमको शंकर की ओर आसक्त। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने करा क्या था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक ही कार्य किया कि सबको भगवान शिव से जोड़ने का प्रारंभ किया। शंकर से जोड़ दिया, चार पीठों का निर्माण कर दिया। आज पूरे राष्ट्र की चार पीठों पर चार जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हैं। ये चार पीठ पर जो चार शंकराचार्य बैठे हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। ये शिव से जोड़ने वाले हैं, अविरल भक्ति से जोड़ने वाले हैं। अविरल विश्वास पैदा कर, अपने भीतर एक भरोसा उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता उत्पन्न करिए। आपके पास में कुछ भी, आपके पास में ज्यादा धन दौलत नहीं है तो आप बाबा को क्या रिझाओगे? एक बात आपसे पूछे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में कितना पैसा लगता है आपको? जम के बोलो जरा। शिव जी को जल चढ़ाने में आप लोगों का कितना पैसा लगता है? जम के तो बोलो, नहीं लगता ना। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी भी आपको पैसे का नहीं बताया कि आप कोई पैसा खर्च कर भगवान को आना, क्योंकि कई ऐसे साधारण से लोग रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता, फिर भी वो शंकर का भजन करते करते बाबा से फल प्राप्त कर लेते। उसको बोलो, जब मंदिर से आओ तो नंदी के कान में बोलकर आओ, मेरे बाबा को लेकर मेरे घर आ जाना। कभी उसकी चौखट पर जाकर सत हो दम जो सुखिया उस हो सत हो जिस घर के तेरे दिए वहाँ जोत जलाओ मैं कैसे, जिस घर के लिए तेल नहीं वहाँ जलाओ मैं, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मैं, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मैं, जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों बाद फिरोजाबाद से भारत के कोने कोने में जहां शुक्रण होती है वहां व्यासपीठ तक पहुंच जाते हैं। जोर का ताली बजाएं। व्यासपीठ की बेलपत्र माता
भाग्य बनाने वाला है बाबा, मैं तकदीर कमारा हूँ। तू भाग्य बनाने वाला है बाबा, मैं तकदीर कमारा हूँ। दाता संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख बता रहा हूँ। दाता संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख बता रहा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तू बुला जाना। मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा, निर्दोषों को तुम बुला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू घर निर्धन के घर भी आ जाना। ज्योत जलाओ मैं कैसे, जिसे घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाओ मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाओ मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाओ मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठे बाबा, बच्चों का दिल बहला जाना। जहाँ मैं बैठा वही बैठे बाबा, बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू में निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू में निर्धन के घर भी आ जाना। चूरू का सूखा दिया में कभी उसका भोग लगा जाना।
तकदीर कमारा हे दाता संभालो भिखारी को आखिर तेरी आग कतारा हे दाता संभालो भिखारी को आखिर तेरी आग कतारा मैं दोषी तू निर्दोषी है बाबा निर्दोषों को तू भुला जाना दोषी तो निर्दोषी है बाबा निर्दोषों को तो बुला जाना कभी पर सत्य हो तो डमरू पर निर्धन के घर भी आ जाना कभी पर सत्य हो तो डमरू पर निर्धन के घर भी आ जाना स्वीकार करेंगे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ कीचड़ हो तो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करो दिल से बाबा से निवेदन करिए भाव से करिए सब दुख काटो हो सब दुख काटो भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो शमशान भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है एक विश्वास भीतर अपने लिए मांगने से पहले उस परमात्मा से संपूर्ण जगत के हित के लिए मांगा संपूर्ण जगत के संपूर्ण जगत के उद्धार जब दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं हम बड़े तकलीफ में हैं हम बड़े कष्टमय जीवन जी रहे हैं शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे के वैभव को देखकर नहीं अपने पास में अपने करीब में अपने पास में कोई रहता हो जिसके पास में वैभव भी ज्यादा ना हो उसको भी देखते दो रोटी भगवान देता जरूर है पेटी भरने की जवाबदारी
मेरे भोलेनाथ ने नहीं लिए, तुम्हारे जन्म के बाद में पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ नहीं ली है महाराज। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ ने ली है कि तू कहीं पर भी रहेगा तुझे धोखा नहीं सोने दूंगा, ये पक्का है। तेरा उदार तृप्त कर कर पेटी से मतलब मेरे शंकर को नहीं, भगवान शंकर को मतलब है तुम्हारे पेट भरने से, भगवान शिव को तुम्हारे पेट भरने से। पेटी भरने की जवाबदारी मेरे शिव ने ली, पेट भरने की जवाबदारी मेरे शंकर जो दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने जो प्रदान दिया, मेरे भोलेनाथ जी मेरे शंकर भगवान जो दे रहे वो कम ना देना, कुछ कम ना देना। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, आप लोग स्मरण करेंगे तो आपके चित्रवृत्ति में आया होगा कि सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर हुआ, सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर और सती माता का जब जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ पर होता है, बढ़ाओ प्रेशर बढ़ाइए, सती माता का जन्म जब दक्ष प्रजापति के यहाँ होता है, सारे देवता सारे सारे नदी सरोवर बावड़ी कुंड तालाब सारे तीर्थ सब नजदीक में सती माता के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सारे तीर्थ सारे तालाब सारी बावड़ी सारे कुंड सारे तीर्थ सती माता के यहाँ पर आ जाते। फिर चरित्र आता है वापिस भगवान शंकर का पावन चरित्र, फिर वापिस भगवान शिव का चरित्र आता है कि पार्वती जी का जब जन्म होता है, पार्वती जी जब प्रकट होती है मीनावती के यहाँ हिमालय राज के घर में, हिमालय राज के यहाँ पर जब माता पार्वती जी का जन्म होता है, फिर वापिस सारे देवता सारे सरोवर सारे कुंड सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ सारे सरोवर सारे कुंड सब आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विचार करिएगा जरा, सोचिएगा, सती मैया का जन्म हुआ, माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्रागट्य हुआ, सारे तीर्थ सारी नदियां सारे सरोवर सारे कुंड सारे देवता माता सती के यहाँ पर, पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता सारे तीर्थ सारे देवता सारे कुंड सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, मैनावती ने विचार किया कि एक बात हमें बताओ, हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया इन इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया, ये इतने सारे देवता चल नहीं रहा है, इन देवताओं का निमंत्रण किसने दिया, कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ, कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ, इनको निमंत्रण किसने, इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए तो इनको निमंत्रण किसने दिया, सारी नदियों को सारी बावड़ियों को सारे सरोवर को सारे कुंड को इनको निमंत्रण किसने, कौन ने बुलाया, ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने, कौन ने। शुमहा पुराण कहती है हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया, देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया, देवऋषि नारद का धारे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन देवऋषि नारद।